हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप में से सारे क्रिएटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम हैशटैग किस लिए लगा रहे हैं। हम अपने चैनल पे जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट या लॉन्ग, हम उस वीडियोस पर जो हैशटैग लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इस बारे में नहीं पता है। एंड हैशटैग कितना लगाना चाहिए, कहाँ पे कितना लगाना चाहिए, नहीं लगाना, सारा चीज़ के बारे में इस वीडियो पे आप लोगों को डिटेल के साथ बताया जाएगा। एंड हैशटैग का मतलब क्या था सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना एंड काफ़ी सारा चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। इसे वीडियो कब तक लाइक नहीं करते लाइक कर देना एंड चैनल पर नजर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि आगे भी ऐसा ही नॉलेज और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि हैशटैग हम अपने चैनल पर क्यों लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो पर कितने हैशटैग लगा सकते हो, मतलब आप एक वीडियो में कितने हैशटैग का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों टाइटल का बात करते हैं, आप टाइटल में मैक्सिमम 3 हैशटैग का यूज़ कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लगभग 15 हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, वे एकदम से मतलब फिक्स है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अब हैशटैग कैसे लगाएं ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं पता, ठीक है? मतलब हैशटैग आप कैसे टाइप करके लगा सकते हो, जैसे कि अगर हमें एक हैशटैग लगाना हैशटैग यूट्यूब न्यू अपडेट, तो यहाँ पर क्या करना हैशटैग यूट्यूब न्यू अपडेट में क्या करते हैं लोग, हैशटैग यूट्यूब स्पेस देते हैं फिर से न्यू अपडेट कर देते हैं, मतलब न्यू फिर हैशटैग अपडेट। इस तरह आप लोगों को नहीं करना, आपको पूरा मतलब एक फॉर्म में ही सर मतलब टाइप करना है, जैसे कि हैशटैग यूट्यूब बिना स्पेस का न्यू फिर बिना स्पेस का अपडेट, मतलब हैशटैग न्यू अपडेट कर देना, ठीक है? डायरेक्ट उसको सेट कर देना, सेट करने के बाद फिर से आपको गैपिंग देना है, गैपिंग देने के बाद फिर से आपको दूसरा अगर हैशटैग लगाना है तो सिंपल सा फिर से आपको हैशटैग डालना है, फिर से न्यू अपडेट 2023, फिर से उसी तरह आपको हैशटैग न्यू अपडेट 2023 करके डाल देना, ठीक है? बिना स्पेस का, ठीक है? इस तरह करके आप मतलब हैशटैग लगा सकते हो अपने वीडियोज़ पर, लॉन्ग रहा या फिर शॉर्ट रहा, ठीक है? आप किसी भी वीडियो में इस तरह करके आप मतलब हैशटैग का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तो हैशटैग आप क्या फ़ायदा होता है हमारे वीडियोज़ में लगाने का, तो यहाँ पर फायदे के बारे में बताएँ एंड नुकसान के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप शॉर्ट वीडियो में अगर आप हैशटैग लगाना चाहते हो, तो वैसे तो शॉर्ट वीडियो दोस्तों अगर आप वर्टिकल फॉर्म में मतलब एक मिनट से कम का अगर आप अपलोड करते हो, वह ऑटोमेटिक शॉर्ट फीड में चला जाता है। अगर वहाँ पे दोस्तों अगर हैशटैग शॉर्ट्स अगर आप वहाँ पे डाल देते हो उस वीडियो में कहीं पर भी, मतलब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी, तो वह ऑटोमेटिक 100% दोस्तों वे शॉर्ट फीड में रैंक करना मतलब चले जाता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आप लॉन्ग वीडियो के बारे में बात करें कि वहाँ पे हम हैशटैग लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हमें लॉन्ग वीडियो में हैशटैग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले, इसलिए अभी से अगर आप हैशटैग नहीं लगा रहे तो लगाना शुरू कर देना, ठीक है? अभी अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, क्योंकि यूट्यूब में तो काफ़ी सारे लोग अभी मतलब सर्च ही नहीं करते, यूट्यूब में कोई आप तो कोई सर्च मतलब जैसे कि हमें यूट्यूब न्यू अपडेट करके कोई भी चीज़ हमें सर्च करें, तो हैशटैग न्यू अपडेट करके तो कोई यूट्यूब पर सर्च नहीं करेगा वीडियोज़ को। तो अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात करें, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो, उस सब जगह में काफ़ी सारे लोग हैशटैग डाल करके सर्च करते हैं और वहाँ पे आते भी हैं, सर्च वहाँ पे काम करता है, लेकिन अभी यूट्यूब में यहाँ पे अभी ये सब चीज़ का चलन नहीं हुआ है। जब से इसका चलन बढ़ेगा उस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, इसीलिए आपको अभी से मतलब ये मतलब मौका है कि आप हैशटैग अपने वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जितना लिमिटेड है उतना आप ज़रूर से यूज़ करो, ठीक है? एंड चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों और काफ़ी सारा चीज़ आप लोग को सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।